और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरीके से बांग्लादेश में हालात खराब होते जा रहे हैं, और अब बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये हमले तब शुरू हुए जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और उनके नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंतरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप में मोहम्मद यूनिस आए हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश को चेताया गया कि जितने भी अटैक्स माइनॉरिटीज पर हो रहे हैं वो तत्काल तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि वी हैव नोटेड विद सीरियस कंसर्न द अटैक ऑन अ पूजा मंडप इन तांती बाजार ढाका एंड द थेफ्ट एट द रिवर जेशोश्री काली टेम्पल इन सतखीरा। तो देखिए, ये वही टेम्पल है जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए हुए थे, यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं होना और इस आपके मंदिर को और दुर्गा पूजा पंडालों को छत विच्छत करना वहां की एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश है, ये भारत सरकार कह रही है। आगे इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि दीज आर डिप्लोरेबल इवेंट्स, दे फॉलो अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ डिसक्रिएशन एंड डैमेज टू टेम्पल्स एंड डिटीज दैट वी हैव विटनेस ओवर सेवरल डेज नाउ। यानी कि एक ये पैटर्न आधारित चीजें चल रही हैं और इसको एक कोई आपका विचार और ऐसे लोग आपका ड्रिवन कर रहे हैं। We call upon the government of Bangladesh to ensure the safety and security of Hindus and all minorities and their places of worship, especially during this auspicious festival time. तो दुर्गा जी का जो पावन नवरात्रि का दिन था अभी समाप्त हुआ है, लेकिन 9 दिन से लगातार बांग्लादेश में कई काफी आपके हमले हुए जहां पर मूर्तियों को छत विच्छत किया गया। जब भारत सरकार ने ये कड़ी प्रतिक्रिया विरोध जताया तब आनन फानन में बांग्लादेश के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस हैं वो दुर्गा पूजा के पंडाल पर गए और वहां से उन्होंने कहा कि देखिए, हम सब एक हैं, हमको किसी भी तरीके से वायलेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं हम सभी जानते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर माइनॉरिटीज को वायलेंस का सामना अपना करना पड़ रहा है। 6 अगस्त से ही जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सोचा समझा सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार वहां पर कट्टरवादी शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हिंदू के हाउस, बिजनेस या फिर टेम्पल से आपके लगातार इनको आहत किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर एक बच्चा प्ले कार्ड लेकर खड़ा है जिसमें लिखा गया है कि स्टॉप किलिंग बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो कोई भी माइनॉरिटी का लोग जो है आपके बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, ना ही बांग्लादेश में, ना ही पाकिस्तान में, ना ही अफगानिस्तान में, और अगर ये सुरक्षित रहा करते हैं तो सिर्फ भारत में आपका रहा करते हैं। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि द क्राउन हैड बीन गिफ्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द जेशोरेश्वरी काली टेम्पल इन बांग्लादेश सातखीरा डिस्ट्रिक्ट इन 2021। तो देखिए, सोची समझी साजिश करके जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर पर गए थे उसी मंदिर को अटैक करना, और सिर्फ ये पहली साजिश नहीं है, पहला अटैक नहीं है, और भारत ने भी पहली बार प्रतिक्रिया नहीं दी है, कई बार जो है भारत के द्वारा ये चीजें चताई गई हैं। अगर आप इस इवेंट को देखें और यहाँ पर दिए गए ग्राफ को देखें तो 1901 में बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 33% थी, इसके बाद ये 2001 में 9.5% हो गई और 2022 में 8% से भी कम है। और इसी प्रकार से पाकिस्तान में अगर आप देखो, less than 3% हिंदूज माइनॉरिटीज आर लिविंग इन दी पाकिस्तान। तो जहां पर इस्लाम है वहां पर दूसरे धर्मों की रहने की इजाजत, उनको पूजा पाठ करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। इस कारण से ये सबसे सीरियस कंसर्न है।
अब वो विश्व के एनजीओस कहाँ गए जो कि ह्यूमन राइट पर आपका क्वेश्चन उठाया करते थे। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को लगातार आपका टारगेट किया जा रहा है और इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये है। साथ ही साथ अभी सितंबर मंथ में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी लीडर्स गए हुए थे तो वहां पर एक समिट अमेरिका में बैठाई गई थी जिसका नाम था क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव, और उसमें मोहम्मद यूनुस ने ये एक्सेप्ट कर लिया किस तरीके से अमेरिका की मदद से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया गया और एक चुनी गई सरकार के प्रधानमंत्री को वहां से हटाया गया है। तो इसके पीछे अमेरिका और उसके डीप स्टेट की गहरी आपकी साजिश है जिसको CIA ने जरूर आपका अंजाम दिया है। अमेरिका चाहता था कि वो इंडियन ओशन की तरफ जो है किस तरीके से सेंटिनल आइलैंड को अपने कब्जे में कर ले और वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट बचा सके। तो जब उस क्रिश्चियन स्टेट को बसाने की बात आई तो इस पर विरोध किसने जताया? शेख हसीना ने जताया। शेख हसीना अभी भी भारत में है, भारत ने इनको रहने का अवसर दिया है और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगे। और यहाँ पर सब जितने बड़े बड़े भारत में जो है विचारक हैं उनके द्वारा कहना है कि बांग्लादेश इज नाउ इंडियाज पोटेंशियल एनिमी, पाकिस्तान अ डिक्लेयर्ड एनिमी, चाइना एन ओपन एनिमी। तो भारत को जितने भी सुरक्षा से संबंधित आपके खतरे हैं वो हमारे सभी बॉर्डर स्टेट से हैं और इसमें अब नया नाम बांग्लादेश का जुड़ गया है। भारत को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है और बे ऑफ बंगाल में किस तरीके से चीन हो या फिर अमेरिका हो अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं क्योंकि इसी रूट के माध्यम से अमेरिका साउथ चाइना सी पर अपने स्ट्रांग होल्डिंग कर सकता है और इसको लेकर भारत पूरी तरीके से आपका प्रतिबद्ध भी बना हुआ है। वहीं पर विश्व में अगर सबसे पावरफुल अगर आप लीडरशिप देखो तो भारत की है और लगातार कई वर्षों से जितने भी ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग्स चल रही है उसमें मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। तो जितने भी हम कह सकते हैं कि सो कॉल्ड लिबरल्स होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, वो किसी भी तरीके की स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेबल गवर्नमेंट आपकी नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से हम भी ये कहते हैं कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं स्पेशली हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और भारत सरकार ऐसे ही लगातार बांग्लादेश पर दबाव बनाती जाए। आपके मत क्या है आप इस वीडियो में नीचे दिए गए कमेंट पर कमेंट अपना जरूर करें। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।